हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आपका दिल से स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में सभी लोग व्यस्त होंगे। तो हमारे तरफ से प्यार भरा गुड इवनिंग। तो आज मैं शाम को शुरू कर रही हूँ ब्लॉग और कोशिश करती हूँ थोड़ा सा भी बना लूँगी और थोड़ा सा कल बना के इसको पूरा करके कल डाल देंगे, इसलिए क्योंकि हमें चोरी छिपकी ब्लॉग बनाना पड़ता है तो बहुत मुश्किलें होती है बनाने में मुझे, और अभी भी बना रही हूँ तो डर है जो मैं फ़ोन में कहाँ छुपा के रखूँगी, कहीं मेरे हस्बैंड देख लिए। तो आप लोगों को पता ही है कितने मैं चोरी छिपकी से बनाती हूँ, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता, अकेले बनाती हूँ। तो चलिए जैसे भी होता है देखते हैं, जिस तरह के जैसे भी समय मिलता है मैं उस तरह से बना बना के कैमरे में कैद करके रख लेती हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और कंटिन्यू रहिए। आप लोग क्या क्या करती हूँ नहीं करते, पहले तो मैं ये टोपी डाल लेती हूँ उस पर क्योंकि ठंड हो रही है, और फिर हम चलते हैं बाहर। तो कंटिन्यू रहिए, एक बार चलते हैं बाहर की तरफ। अंधेरा हो गया है बिल्कुल, तो आइए देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा हो गया है। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं बल्ब जलाने की। तो ये हमारा बल्ब जल गया बाहर का, देख सकते हैं। तो हमने बल्ब जला दिए, शाम के टाइम में तो सांस देना पड़ता है ना, तो प्रणाम तो करने पड़ते हैं। और चलते हैं छत की ओर, तो देख सकते हैं इधर की तरफ अंधेरा हो गया है, देखिए थोड़ा सा उजाला है, थोड़ा सा बिल्कुल ही, इतना एकदम बिल्कुल। देखिए गली की लाइट भी जल गई है, वहाँ पे खंभे पे दिख रहा है गली की लाइट, वहाँ पे खंभे पे दिख रहा है। और ये हमारा चादर जो कि मैं ये डाल के रखती हूँ, अब गिरा देती हूँ इसको। अब हमारा सेफ्टी हो गया पूरा बंद, क्योंकि यहाँ से हवा आती है ना, तो अब हवा नहीं आएगी, हमने गिरा दिए हैं तो हवा नहीं आएगी। ऊपर से आ जाती है थोड़ी बहुत हवा, लेकिन फिर भी मतलब कि इतना तो सेफ हूँ। तो कंटिन्यू रहिए आप लोग। शाम का टाइम हो गया, सोचते हैं क्या बनाएं क्या नहीं, हस्बैंड जी को फ़ोन किए तो उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाए हैं। देखते हैं क्या बनाना है और क्या नहीं बनेगा, पता नहीं, देखते हैं जो क्या है फ्रिज में क्या नहीं है। फ्रिज में कुछ होगा बनाने वाला तो शायद बना लेंगे। हमारा फ्रिज खुल गया है, इधर देख सकते हैं, पता नहीं इसमें है भी कुछ या नहीं, पूरा फ्रिज खाली है। आज हमारा मंगलवार का दिन है जो कि हमें रात को सब्जी लाना है खरीद के। इसमें तो पड़े हुए देख सकते हैं मूली, ये टोकरी में सिर्फ मूली पड़े हुए, मूली को क्या बनेगा, कोई खाएगा नहीं, बच्चे तो खाते ही नहीं। और ये हमारा पालक, शायद पालक तो बेकार ही हो गया है, बिल्कुल गल गया पालक। और अच्छा सेम भी है, इधर गाजर भी पड़े हैं, देखें सेम और गाजर पड़े हैं। कोशिश करते हैं, पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं। और दोस्तों ये पालक बनाने लायक नहीं है, देखिए ये मतलब पूरा खराब हो गया, पूरा के पूरा खराब बिल्कुल, ये बनने का नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, गाय को दे देंगे। तो देखते हैं गाजर आलू और सेम को मिक्स करके सब्जी बनाते हैं हम। इसमें कुछ नहीं निकलने वाला है पालक में, पूरा के पूरा बेकार हो गया। देखिए ओह माय गॉड, हरा तो दिख रहा है पर पीला पीला गल सा गया है। देखिए हरे हरे सब्जी, पालक की सब्जी वैसे बहुत मस्त लगता है खाने में। अगर देखते हैं, अगर आज ही पूरा हो गया ना ब्लॉग तो फिर कल दूसरा देखेंगे, अगर बन गया तो। अभी अगर मेरे हस्बैंड ना आए तो अभी थोड़ी देर बाद आएंगे, कोशिश करते हो अगर बन गया तो। जो बन जाएगा 2-4 मिनट का बहुत है मेरे लिए, तो कोई नहीं सपोर्ट करता, अकेले अगर 2-4 मिनट का भी बन जाए तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो फटाफट से दोस्तों मैं सब्जी काट लेती हूँ एक बार, क्योंकि लेट हो जाएगा, मेरे हस्बैंड आने वाले हैं। दोस्तों मैं फटाफट से सब्जी काट रही हूँ बहुत जल्दी जल्दी करके, और मैं काट चुकी हूँ, थोड़ी बहुत बाकी है मेरे को काटना, और मैं दरात से काट रही हूँ क्योंकि मुझे चक्कू से जल्दी नहीं कटता है, इसीलिए मैं दरात से जल्दी जल्दी काट रही हूँ। देख सकते हैं मेरा प्यारा सा दरात छोटा सा, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करती हूँ, फटाफट आप लोग कंटिन्यू रहे। तो दोस्तों जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं, गैस जला लेते हैं फटाफट, एकदम सब्जी चढ़ा देते हैं जल्दी, क्योंकि जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। मैंने इधर गैस चढ़ा दी और फटाफट से हम क्या करते हैं बर्तन लगा लेते हैं जल्दी जल्दी। इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड आने वाले हैं और बच्चे भी आने वाले हैं, तो बच्चे आ जाएंगे तो फ़ोन ले लेंगे, फिर हस्बैंड आ जाएंगे तो उनके सामने तो मैं बना ही नहीं सकती हूँ।
तो इसलिए मैं जो भी ब्लाउज सूट हो जाएगा ना फिर जल्दी जल्दी, क्योंकि एक ही फ़ोन में हम तीन तीन चार चार जाने चलाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, और बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के फिर मैं ब्लॉग बनाती हूँ। एक फ़ोन में हम कितने जने चलाए, बच्चे दो दो बच्चे हैं और स्कूल का काम वगैरह भी करते हैं और हम वीडियो भी शूट करते हैं सब चलाते हुए, तो बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने कुकर चढ़ा दी हूँ और फटाफट जब सब्जी की छौंक लगा लेते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे करना पड़ रहा है ना, फिर वो आ जाएंगे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मेरी। तो इधर मेरा कुकर चल रखा, इधर हम सब्जी धो रहे हैं फटाफट से, देख सकते हैं। सॉरी, अंधेरा भी हो रहा है, अब मुझे डर सा लग रहा है ना, सब आने वाले हैं, शाम हो गया है बिल्कुल, और किस तरह करूँ किस तरह। ये देख सकते हैं सब्जी मैंने धो ली हूँ। पता है आपको दोस्तों, मैंने क्या कि उस पालक में से जो है ना थोड़ी बहुत मैंने पत्ते निकाल ली हूँ, खराब नहीं था, तो हरे हरे पत्ते हैं, आप देखो कितने अच्छे पत्ते लग रहे हैं, हरे हरे बिल्कुल, ये देखिए। तो मैंने थोड़े से पत्ते काट ली हूँ उसकी, और आलू की, आलू और ये गाजर दिख रहा है आपको, आलू गाजर और सेम की फली, ये देख सकते, ये देखिए सेम की फली है, ये पालक की तरह लग रहा है लेकिन पालक अलग है वो, ये सेम की फली है देखो आप लोग। तो ये चार सब्जी है मिक्स जो कि मुझे बनाना है, और ये हमारे प्याज कटा हुआ, ये टमाटर अब काटूंगी मैं, और इधर हमारा कुकर फाइनली चल रहा है। तो प्लीज दोस्तों आप लोग कंटिन्यू रहिए। दोस्तों मेरा मसाला फ्राई हो रहा है कुकर में, मैं डाल रखी हूँ सारे कुछ, जो भी जैसे भी पड़ता है, पता नहीं दिखेगा या नहीं दिखेगा, शायद ही रहा, तो मैंने सब कुछ डाल रखी हूँ, और इधर मेरा सब्जी धुला हुआ है ही, और फटाफट से इसको डाल के बंद कर देंगे, फिर आटा की तैयारी करेंगे। आज मंगलवार है तो मुझे बाजार भी जाना है और काम भी करना है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और बच्चे, एक बच्चे आ गया है और फ़ोन मांग रहा था, मम्मी फ़ोन दो फ़ोन दो, तो मैंने बोली बेटा थोड़ी देर खेल लो फिर दे दूँगी, तो जब तक मेरा ब्लॉग भी शूट हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, बहुत मुश्किल से बनाती हूँ, बहुत मेहनत करना पड़ता है मुझे। अब दोस्तों गर्मी लग रही है, किचन में बहुत देर से खड़ी हूँ ना, तो किचन में थोड़ी गर्मी लगने लग जाती है, तो अब गर्मी लग रही है थोड़ी सी, तो इसलिए टोपा उतार दिए हैं और मैंने कुकर को बंद कर दिए हैं, देख सकते हैं मेरा कुकर बंद हो चुका है। सब्जी डाल के फटाफट से हम क्या करते हैं, आटे की तैयारी करते हैं, जो कि मैं यहाँ से आटा निकाल रही हूँ। अब मैंने आटा फटाफट से निकाल रखी हूँ, और क्या गूंदना है कैसे उसको अब अंदाज कर लेते हैं कितना लगेगा और कितना नहीं। वैसे चार जने खाने वाले हैं तो रात है तो कम ही लगेगा, थोड़ा सा मतलब इतना गूंद लेते हैं हम। 6:25 हो गया गाइस, आप लोग बताए 6:25 हो गया है, और मेरा जल्दी जल्दी काम हो रहा है, जब तक मेरे हस्बैंड आएंगे तब तक मेरी सब्जी बन जाया जाएगा, आटा भी गूंदने के लिए तैयार हो, सब्जी चढ़ाई दी हूँ, और जब तक वो आ जाएंगे तब तक मेरा भगवान करे जो मेरा ब्लॉग भी सारे बन जाए, और बहुत मज़ा आ जाएगा फिर तो। और मैं आटा पहले तो, सबसे पहले तो आटा गूंद लेती हूँ, और ठंड है, जितना जल्दी काम हो जाएगा उतना जल्दी अच्छा है, और ऊपर से फिर वो मेरे हस्बैंड सुबह की जा रखे हैं, तो फिर जल्दी जल्दी तैयारी करके रखना पड़ेगा ना, वो आते हैं तो फिर भूख लग जाती है उनको, 8:30 सुबह खाते हैं और लंच वगैरह नहीं लेके जाते हैं वो कभी भी। तो आएंगी और मैं फटाफट से तैयार रखूंगी और उनको गर्मा गर्म रोटी बना के दे देंगे खाने के लिए। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे आटा गूंदने में, सब्जी थोड़े 5 मिनट बन जाएगा सब्जी, और ज़्यादा मुश्किल होगा तो मेरे को आटा गूंदने में बस ज़्यादा ज़्यादा 3-4 मिनट लगेगा, मैं फटाफट से गूंद लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोग ज़्यादा सपोर्ट करिएगा और कमेंट भी करके देखिएगा। मिलते हैं आटा गूंदने। तो फाइनली गाइस हमने आटा को गूंद लिए हैं, पूरा मेरा आटा तैयार है, आप देख सकते हैं, ये देखिए आटा पूरा तैयार हमने कर लिया है, इसको बढ़िया से इसको अब गूंद के छोड़ दिए हैं, ये आधे घंटे में बहुत अच्छे से आटा ये बढ़िया से हो जाएगा, तो फिर रोटी बनाने में काफी अच्छा लगता है। और फटाफट हम क्या करते हैं, हाथ धो लेते हैं जल्दी, अब मेरा काम वैसे हो चुका है, हो गया था। अब मेरा काम कुछ नहीं बचा, सब कुछ फिनिशिंग हूँ, अब मुझे ज्यादा डर नहीं लगेगा, काम भी हो गया, इधर मेरा ब्लॉग भी बन गया है, और आप लोग इतने अच्छे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, तो देखने के लिए तो तैयार ही है हमारा ब्लॉग। तो चलिए अब सब्जी होने की तैयारी करते हैं, आटा गूंदी चुका है, अब देखते हैं आगे क्या करूंगी क्या नहीं, प्रेजेंट रहिए आप लोग।
तो मेरा ब्लॉग भी तैयार है। अब मैं जा रही हूँ फटाफट से जो किचन में कूड़ा वगैरह है उसको उठा के और फेंकाती हूँ जाके। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अब मुझे कुछ काम नहीं है, तो सोचती बाजार से कुछ ले आते हैं या देखते हैं। मेरा सब्जी तो बनने वाला है, जो भी है अब कुछ नहीं करना है मुझे। अब थोड़ी देर में बैठूंगी जाकर, पूरा दिन काम ही काम करना पड़ता है सुबह से शाम तक, फिर टाइम निकाल के ब्लॉग बनाओ। बड़ी मुश्किल से लोग फोन देते हैं मुझे 5 मिनट के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे बहन भाभी जो भी समझते समझ के और मुझे आगे बढ़ाइए और सपोर्ट करते रहिए। तो थैंक यू सो मच मेरे यूट्यूब वाले फैमिली।